प्रोटेस्ट अगेंस्ट हुक्का पार्लर इन मलाड वेस्ट। हुक्का पार्लर बंद करो, बंद करो, बंद करो, हुक्का पार्लर बंद करो, दादागिरी नहीं चलेगी। इस नारे के साथ गांधी जयंती के अवसर पर चिंचोली बंदर मलाड के आम नागरिक सड़क पर उतर आए। दरअसल उनकी नाराजगी सागर महफिल नामक हुक्का पार्लर से है, जिसके चलने से उन्हें स्थानीय युवाओं के बिगड़ने की आशंका है। इसी के साथ हुक्का पार्लर द्वारा अनधिकृत रूप से दो मंजिला इमारत बनाने से भी आसपास के लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया। इसलिए इलाके में राजनीति करने वाले शिवसेना, कांग्रेस और मनसे के कार्यकर्ता चिंचोली बंदर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठा हो गए और इन सभी ने इन्फेंट जीसस स्कूल से हुक्का पार्लर तक मोर्चा निकाला। ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे विसिनिटी में लेस देन आधे किलोमीटर के 500 मीटर के विसिनिटी में कम से कम 4 स्कूल्स हैं, 2 कॉलेजेस हैं। इसके बावजूद किन परमिशंस, किस हिसाब से इस हुक्का पार्लर को ये परमिशन मिला है, ये सोचना एक आई मीन इट्स अ वेरी क्वेश्चन। जिम्मेदार ठहराते हैं बीएमसी को, पुलिस को, और किसको किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं आप? आई बिलीव पहली बात तो सबसे पहली बात ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को परमिशन कैसे मिला, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। हमारा प्रोफेशन है कि बच्चों को आगे करना, उनको शिक्षा देना, शिक्षा देना, लेकिन मेरे आंखों के सामने हमारे एरिया के बच्चे कैसे गलत रास्ते जा रहे हैं ये देखा नहीं गया। इसलिए मैं इस आंदोलन में शामिल हूँ और इस एसोसिएशन में हम बहुत सारा से काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे एक सही रास्ते चले और गलत रास्ते में चले। एक ही कहना चाहता हूँ कि अगर चाली में कोई 2 फुट की 2 फुट का बांधकाम कर गया तो बीएमसी वहाँ पहुँच जाती है। आज यहाँ पे तो राजरोस पर 2 मंजिली इमारत खड़ी हुई है तो महानगर पालिका कहाँ गई? जी जी। और यहाँ पे 2-2, 4-4 स्कूल है, कॉलेजेस है और ये मिशंस बहुत बड़ा होने वाला आगे, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इनके पीछे कभी भी खड़ा है। इन्होंने हमें आवाज़ दीजिए, हम इनके पीछे 100% खड़ा रहेंगे, ये हमारा इनको आश्वासन जी। तो बाजू में आपके मंदिर के हुक्का पार्लर है? नहीं होना मांगते। ऐसा क्यों बोलेंगे तो बच्चे लोग खराब होते हैं और क्या। इधर से मैं सुंदर नगर हमेशा जाती हूँ स्कूल में, तो आते जाते देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे भी अंदर जाते हैं और उनको पहले पटाया जाता है इधर बहुत अच्छा है बेटा, और अंदर जाके क्या क्या होता है, और हो सकता है हमारे बच्चों की भी जिंदगी खतरे में, ऐसे दूसरे के भी बच्चे की जिंदगी खतरे में हो, और हम इधर रहते तो हमारे घर लोग आने के लिए सोचते, जाने दे उधर तो हुक्का बार है वो एरिया अच्छा नहीं है, हमारे घर कोई आने के लिए भी सोचता है तो हमारे भी इम्प्रेशन डाउन होती है। सर्वांना जय महाराष्ट्र। शिवसेना शाखा प्रमुख रोहिदास गाडगेकर, मी पण या चिंचोली गावातला रहिवासी आहे आणि हे जे आंदोलन उभारलं आहे चिंचोली असोसिएशन, त्याला आमच्या शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे आणि शाखा प्रमुख या नात्याने यांच्या कांद्याला कांदा लावून मी उभा राहणार आहे। हुक्का पार्लर के लिए लीगल परमिशन दिया है तो शायद गवर्नमेंट का डायरेक्टिव आया है कोर्ट का, लेकिन ये स्कूल के बीच में नहीं आया है, ये आपका बीच में और मंदिर का बीच में इन लोग नहीं कर सकते, इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। हमने बीएमसी को कंप्लेंट भी लिखा है, पुलिस को कंप्लेंट लिखा है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस अपने सामने बन रहा है 2-3 महीने से, इसके लिए मुझे ताजुब हो रहा है, ना कॉरपोरेशन आगे आया ना कोई आया, लेकिन आज हमें अच्छा लगा कि हमारे मनसे के तरफ से और मिस्टर हरीश सालवी और मिस्टर रोहिदास गाडगेकर शिवसेना के तरफ से आए हैं और कांग्रेस की तरफ से हमारे नगर सेविका स्नेहा जगड़े आई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है इसे हमें बंद करना है। अभी लोगों को डर लगने लगा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है पूरा, और यहाँ पर गलत सब चीज़ें चलती है, जैसे हुक्का पार्लर है, ड्रग्स की बात होने दो, और हमारे एरिया में स्कूल और कॉलेज ज़्यादा होने के कारण ये न्यूशंस बढ़ते जा रहा है। यहाँ के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे सब यहाँ पर जा रहे हैं और वो एडिक्ट हो रहे हैं इसमें, ड्रग्स होने दो, हुक्का पार्लर होने दो, सब इसकी वजह से। तो लोग भी परेशान हैं, यहाँ पर गलत चीज़ें हो रही है। जे एवढा मोठा प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन झालं आहे की ऑलरेडी सुरुवात झाली आहे, म्हणजे बऱ्याचशा ठिकाणी आहे ऑलरेडी माहिती आहे, मग त्याच्यावर वाचा फोडली गेली नाही आहे, म्हणजेच हे सगळं सेटिंग आहे ते आपल्याला कळतं, पण हे आपण बोलू शकत नाही आहे, पण ह्याच्यासाठी वाचाही फोडणं गरजेचं आहे, त्यासाठी आपण एकत्र येऊन फायनल डिसिजन घेऊन हे बंद करणं आणि त्याचा आम्ही तरी सपोर्ट करणारच शेवटपर्यंत। इसी मोर्चे में मालती भंडारी नामक महिला भी शामिल थी, जिसका दावा है कि ये पार्लर अवैध रूप से उसकी जमीन पर बनाया गया है। ये जगह आपकी है मैडम? हाँ। क्या नाम है आपका? मालती हरिचंद्र भंडारी। आपके पास पूरे पेपर्स हैं इसके? वो है, मेरा जेट केस लड़ रहा है ना। तो आप इतने दिन कहाँ थे जब ये बन रहा था? देखो वो केस लड़ रहा था टाइम। हाँ।
वो केस लड़ रहा है, उसने आना मांगता है ना। कौन केस लड़ रहा है? रमेश भंडारी। अच्छा अच्छा, तो वो क्या लगते हैं आपको? देवर छोटा। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे इधर गांव में। अच्छा अच्छा, अभी वो भी मैं हम लोग को मालूम नहीं, मोर्चा एक बोलने को आया मेरे को। आज ही मालूम पड़ा आपको? मतलब कल मालूम पड़ा। कल मालूम पड़ा। अभी क्या एक्शन लेंगे आप? मैं क्या बोलती, ये लोग ये करेंगे ना तो उसके साथ है हम लोग। अच्छा अच्छा, बस ये गलत काम होना नहीं चाहिए। इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस का कहना था कि उन्होंने इसके अवैध निर्माण के विषय में बीएमसी को पत्र लिखा है, इसी के साथ इसके खिलाफ कई बार कानूनी कार्रवाई भी की है। जो हुक्का पार्लर का इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हमने बीएमसी को ऑलरेडी लिखा है। अच्छा, और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी जी। और पुलिस का क्या है रोल इसके अंदर? पुलिस में जब भी अभी 18 साल के नीचे के लड़के वगैरह हम चेक करते हैं जी, अगर हमें मालूम पड़ा जी और अगर निदर्शन में आ गया तो बात पे हमने बहुत बार किया है, इस पे कार्रवाई भी की। दरअसल मुंबई के उपनगरीय इलाकों में अवैध बांध काम बड़े धड़ल्ले से बढ़ गया है। इसमें बीएमसी के अधिकारियों, पुलिस और स्थानीय नेता रिश्वत की उस अदृश्य डोरी से बंधे हुए हैं जिसके बारे में आवाज वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। करप्शन अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आम लोगों का भरोसा वर्तमान व्यवस्था से उड़ जाएगा और लोग कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। सिटीजन जर्नलिस्ट सिद्धार्थ मारब्रोस के साथ स्पेशल करेस्पॉन्डेंट राज बिंद्रा, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।